हरियाणा की टीम की बात कर रहे थे हम, आपके हिसाब से हरियाणा की टीम के पास एक्सपीरियंस है और महाराष्ट्र की टीम के पास युवा जोश है, तो देखते हैं आज किसकी जीत होती है। टैक्टिक्स भी बहुत सारे दोनों टीम्स ने बना के रखे होंगे, रणनीतियाँ बना के रखी होंगी। फिलहाल तो इस मैच में उत्तराखंड को रेडिंग में पॉइंट स्कोर करने होंगे ताकि इंडियन रेलवे को अच्छी तरह से टफ दे सके। एक पॉइंट स्कोर करके गए इंडियन रेलवे के रेडर। अभी उत्तराखंड देखो रेलवे की टीम, ये प्रोफेशनल टीम है, जो सारे प्लेयर है वो प्रोफेशनल लीग में खेलते हैं, प्रो लीग में खेलते हैं, प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। उत्तराखंड की टीम नहीं है, नए लड़के हैं, तो मेरे क्या इसलिए ये जो रेलवे की टीम है ये इस टूर्नामेंट में एक काबिल तारीफ, मतलब अपोजिशन के लिए अच्छी टीम है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो बहुत अच्छे इंडियन रेलवे के टीम सेमीफाइनल के दावेदार बन सकते हैं। डेफिनेटली प्रदीप नरवाल, उनकी कमी क्या उत्तराखंड को खल रही होगी इस टूर्नामेंट में? नहीं, उत्तराखंड का अगर प्रदीप नरवाल भी रहते थे, लेकिन उनका डिफेंस आप देख रहे हो जिस तरह से नए लड़के रेलवे के साथ खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रेलवे की टीम डेफिनेटली कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ता, गिरता था अगर प्रदीप नरवाल भी खेलते थे, क्योंकि अकेला रेडर्स इतना पॉइंट मारने के बाद डिफेंस ने उसको वो पॉइंट को आगे बढ़ाना है, उसको और आगे लेके जाना है, तभी वो टीम जीतती है। अगर ओनली रेडर इधर से पॉइंट मारेगा और डिफेंस से पॉइंट निकल जाते हैं तो मैच का जीतना तो डेफिनेटली वो हारना ही तय है मैच का। कर्नाटक और उत्तराखंड का मैच हुआ था, प्रदीप नरवाल खेले थे, लेकिन फिर भी कर्नाटक ने वन साइड बीट किया था उत्तराखंड को। तो आप भी एक रेडर रह चुके हैं, तो डिफेंस का सपोर्ट कितना जरूरी है आप भी बखूबी जानते होंगे। बहुत अच्छी डाई मारी रेलवे ने और एक कैच। डिफेंस तो देखो, डिफेंस ऐसी रेडर के साथ डिफेंस को भी अगर पॉइंट एक लेना है और रेडर बाहर बैठा है उसको उठाना है, तो डिफेंस का काम है कि किस तरह से वो कैच करे और पॉइंट ले ले, तो डिफेंस का भी उतना ही महत्व है। जो रेडर अगर पॉइंट मारता है तो डिफेंस वाले ने अगर कैच करके स्कोर बढ़ाता है तभी मैच जीते जाएंगे, नहीं तो डिफेंस अगर लूज हो गया तो पॉइंट रेडर का कोई महत्व नहीं है। ज़्यादा पॉइंट मार के भी डिफेंस से यहाँ से दूसरा रेडर उनका पॉइंट मार के लेके जाता है तो कोई मैच जीतने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और साइकोलॉजिकल एक प्रेशर भी फिर रेडर पे आ जाता है अगर अपना डिफेंस स्टैंड नहीं हुआ तो। आजकल जो रेडर्स खेल रहे हैं और आपके जमाने में जो रेडर्स खेल रहे थे, क्या आपको उनमें मेजर डिफरेंस नज़र आता है? नहीं, ये मैट के ऊपर जो कबड्डी है ठीक है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ और एक थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल और स्ट्रेंथ ये होनी चाहिए। हमारे टाइम पे भी जो कबड्डी होती थी उसमें स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस वो भी चीज़ें थी, लेकिन स्किल था। अभी थोड़ा स्किल ये हो गया है, मतलब ज़्यादा जैसे कि मैट के ऊपर आप स्लिप नहीं, बैटी नहीं मार सकते, स्लिप नहीं मार सकते, वो मारते हैं अनूप कुमार ओनली, लेकिन ऐसे बहुत सारे दूसरे प्लेयर थे कि थोड़ी जो स्किल है वो मैट के ऊपर ये हो गए, लेकिन मैट के ऊपर का गेम बहुत ही स्ट्रेंथ का और पावरफुल, जो फिटनेस अगर वो कंटिन्यू उसका अच्छा है तो ही वो प्लेयर खेल सकता है। तो मैट के ऊपर मतलब ऐसे ही आके खेलना बहुत विदाउट फिटनेस खेलना बहुत ही डिफिकल्ट है। सही, जब हम क्ले कोर्ट या जमीन पे जब खेलते हैं तो एक जमीन का सपोर्ट होता है, जब हम जंप करते थे या टर्निंग मोमेंट्स होते थे, लेकिन मैट में शायद कहीं ना कहीं वो मोमेंट्स पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है और इंजुरीज के चांसेस बढ़ते हैं। डेफिनेटली, इसीलिए ज़्यादा फिटनेस की मांग है मैट में अगर खेलना है तो। फुटवर्क के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या रेडर्स के फुटवर्क में चेंजेस आए हैं अब जो फुटवर्क में अब जो रेडर्स फुटवर्क करते हैं? जो मेरे वक्त जो प्लेयर्स मैंने देखे हैं उनके फुटवर्क इतने बढ़िया होते थे कि डिफेंस का कौन सा प्लेयर को मेरे को टो टच करना है, किक मार के पॉइंट ये करना है, स्कोर करना है, हैंड टच करना है, ये वो हर एक रेडर की वो खासियत रहती थी। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ ये मैट के ऊपर डिफेंस में भी डाई ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। उस वक्त भी डाई मारी जाती थी लेकिन बहुत रेयर होता था कि डाई मारने का, लेकिन इस मैट के ऊपर तो डाई ये डिफेंस में बहुत बड़े हथियार हो गया है, क्योंकि अगर डाई मारने के बाद प्लेयर उधर ही रुक जाता है, रेडर आगे नहीं बढ़ पाता, तो जमीन का सपोर्ट नहीं मिलता उसको। बिल्कुल, और यहाँ पे
डिफेंडर को एक कॉन्फिडेंस रहता है, चाहे डाइव फेल भी गई तो वो मैट पे ही गिरने वाला है, अगर वही डाइव जमीन पे फेल हो जाती तो उल्टा डिफेंडर वहाँ पे इंजर्ड हो जाता, यहाँ पे अगर मैट पे गिरता तो डिफेंडर को कॉन्फिडेंस कि उसको नहीं लगने वाली। सो बहुत कॉन्फिडेंटली कहीं पर भी डाइव लगाई जाती है। बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया संजय। इस मैच में बहुत ही बड़ी बढ़त इंडियन रेलवेज के पास, आप शायद बात कर रहे थे प्रोफेशनल प्लेयर्स, और ये जो उत्तराखंड के प्लेयर्स हैं ये प्रोफेशनल ही नहीं खेल रहे, क्लब लेवल पे शायद खेल रहे हैं, तो क्या डिफरेंस होता है प्रोफेशनल टीम से खेलना और क्लब लेवल से खेलना? ऐसा है कि आप मेहनत करने को, कोई भी स्पोर्ट्स में मेहनत जरूरी रहती है, मेहनत करने के बाद आप जब मैच लेवल और प्रैक्टिस और मैच, ये बहुत दूरी डिफरेंट चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है खेलने का। और जो प्रोफेशनल जो प्लेयर इसलिए ये रहते हैं क्योंकि वो जब किसी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उनको लिया जाता है, प्रोफेशन में लिया जाता है, कौन से भी टीम में लिया जाता है, तो उसके बाद भी उनको अलग टीम से खेलने का एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो बढ़िया टीम है उससे बढ़िया टीम प्लेयर्स खेलते हैं, और वो एक्सपीरियंस उनको बाद में काम आता है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट नेक्स्ट मैच कैसे खेलूं, तो ऑटोमेटिकली उनका परफॉर्मेंस हाई हो जाता है, उनको खुद को कॉन्फिडेंस आता है। और जो नए प्लेयर रहते हैं उनको यही ये मौका नहीं मिलता है कि बड़े बड़े प्लेयर के अपोज में खेलने का, वही एक फ़र्क है उसमें प्रोफेशनल प्लेयर और नए प्लेयर। बिल्कुल, प्रोफेशनल प्लेयर्स को अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का ज़्यादा मौका मिलता है और उसी से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वो अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है डेफिनेटली उनको। बिल्कुल, इस फेडरेशन कप में ये जो टीम्स खेल रही हैं, कर्नाटका का डिफेंस और रेडिंग साइड, तो कर्नाटका के रेडिंग साइड में शायद तीनों ही रेडर्स लेफ्ट रेडर थे, लेकिन डिफेंस अच्छा था। कल प्रसाद राव सर हमसे बात कर रहे थे कि दोनों कॉर्नर्स कर्नाटका के अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लाइक कुछ यूनिक जो रनिंग चेंज होते हैं कॉर्नर की तरफ से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऐसे प्रसाद राव सर ने कहा यहाँ पे। तो कर्नाटका के डिफेंस के बारे में क्या कह पाओगे आप? मैंने कर्नाटका के जो मैंने अभी मैच देखी है, दो तीन प्लेयर ही मेरे ख्याल से पाँच से पाँच